नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है। इसके परिसर में सर्वे का काम पूरा हो चुका था। पिछले साल 4 अगस्त को एएसआई ने कड़ी सुरक्षा के बीच में अपना सर्वे शुरू किया था। बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत को सौंप दी गई थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सर्वे टीम ने एक एक सबूत वहां पर इकट्ठा किए। जुलाई 2023 में वाराणसी जिला अदालत ने मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया, मगर कोर्ट का आदेश के बाद भी सर्वे टीम ने अपना काम शुरू किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को एक एक करके सौंप दी गई है। सार्वजनिक रिपोर्ट की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने में अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प, अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण के पहले यहां पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की रिपोर्ट पढ़ते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया था कि यहां पहले हिंदू मंदिर था। इससे जुड़े हुए 32 सबूत एएसआई सर्वे में जुटाए गए हैं। रिपोर्ट में नागर शैली के हिसाब से तमाम साक्ष्य मिले हैं जो मंदिर की गवाही दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खंभों की नक्काशी को क्षति पहुंचाई गई। मंदिर को गिराने का फारसी भाषा में आदेश है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल 839 पन्ने की इस रिपोर्ट में इतिहास के हर पहलू को छुआ गया है। परिसर में क्या क्या साक्ष्य मिले, किसके आधार पर कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूदा संरचना से पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, ऐसा तर्क किस आधार पर किया जा रहा है, आज हम उन तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। उन सबूतों का उल्लेख करने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिरकार परिसर में किन किन चीजों का सर्वे हुआ है। पहला, मौजूदा संरचना में केंद्रीय कक्ष और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार का। दूसरा, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ है। तीसरा, मौजूदा संरचना में पहले से मौजूद संरचना के स्तंभों और भित्ति स्तंभों के फिर से इस्तेमाल पर। चौथा, बरामद हुए पत्थरों पर अरबी और फारसी शिलालेख। पांचवा, तहखाने में मूर्ति कला के अवशेषों का। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, उनका यह कहना है कि यह एक रिपोर्ट है, यह फैसला नहीं है। रिपोर्ट लगभग 839 पन्ने की है। इसका अध्ययन विश्लेषण के में समय लगेगा। एक्सपर्ट की राय ली जाएगी, अदालत में विचार किया जाएगा, इसको अदालत में ले जाया जाएगा। मस्जिद पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। एसएम यासीन कहते हैं कि आगे अल्लाह की मर्जी है, हमारी जिम्मेदारी मस्जिद को आबाद रखने की है। मायूसी हम लोगों के लिए हराम है, सब्र से काम लेना होगा। हमारी अपील है कि इससे बहस से बचा जाए। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी और फारसी में लिखे शिलालेखों में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष यानी कि 1676 और 1670 में किया गया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूद संरचना को 17 यानी कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को बदलकर मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था। यहां पर आपको एक बात साफ कर दूं कि फिलहाल इस एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद में सील किए गए वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वे नहीं किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में शिवलिंग मौजूद है जिसे मस्जिद पक्ष फव्वारा बताता है। एएसआई टीम की इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे के स्वरूप और उसके समय के बारे में बताया गया है।
मौजूदा वास्तुशिल्प अवशेष दीवारों पर सजाए गए साचे केंद्रीय कक्ष के कर्णरथ और प्रतिरथ पश्चिमी कक्ष की पश्चिमी दीवार पर तोरण के साथ में एक बड़ा सा सजाया हुआ प्रवेश द्वार, ललाट बिंब पर छवि वाला एक छोटा सा प्रवेश द्वार, पक्षियों और जानवरों की नक्काशी, अंदर और बाहर की सजावट से पता चलता है कि यहां पर पश्चिमी दीवार किसी हिंदू मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। यह एएसआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कला और वास्तुकला के आधार पर इस पूर्व मौजूदा संरचना को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन के बाद में यह कहा गया है कि यहां पर मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा सा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई आगे क्या कहती है इस रिपोर्ट में, उसका मैं जिक्र करता हूं। इनके रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि एक पत्थर पर एक शिलालेख था जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यानी कि 1976-77 में किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर पर यह भी लिखा था कि मस्जिद की सहन यानी कि सहन का मतलब उसका आंगन की मरम्मत भी की गई थी। इस पत्थर की तस्वीर एएसआई ने 1965-66 के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन एएसआई का कहना है कि यह पत्थर सर्वे में मस्जिद के एक कमरे से बरामद हुआ है, लेकिन मस्जिद के निर्माण और उसके विस्तार से जुड़ी जानकारी को खरोच कर मिटा दिया गया था। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। यह शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे जिनको मस्जिद के निर्माण और मरम्मत के में इसका इस्तेमाल किया गया है। यह शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि मस्जिद से पहले जो भी संरचना यहाँ पर मौजूद थी उसको तोड़कर नई संरचना का निर्माण किया गया है, जो कि जो भी नई संरचना बनी है उसमें भी तोड़ी गई संरचना के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। एएसआई ने कहा कि इन शिलालेखों में उसने तीन भगवान यानी कि जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए हैं। एएसआई ने महामुक्ति मंडप के तीन शिलालेखों के पाए जाने को बहुत ही महत्वपूर्ण भी बताया है। 839 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट में तमाम बातों का जिक्र है जिसको हर एक पन्ने को यहां पर इलेबरेट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम उन चीजों का जरूर यहां पर उल्लेख करना चाहेंगे जो अहम सबूत के तौर पर बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि श्री राम मंदिर जो अयोध्या में जिस समय एएसआई सर्वे कोर्ट में सबसे अहम माना गया था, वो एएसआई सर्वे इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद पे हो रहा है। अभी मेरे इस वाले वीडियो में ये जो इतने सबूत दिखाए गए हैं, लेकिन आगे इसके अलावा और भी बहुत सारे सबूत हैं जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि एक साथ बहुत सारे शिलालेखों और जो रिपोर्ट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की उसको हुबहू बयान, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें परोसी जा रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सभी फैक्ट्स यहां पर सही हो। हम यहां पर आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डिट्टो ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे है और उस रिपोर्ट को दोनों पक्षों को सौंपा गया। पहले ये जो है सीलबंद होके जिला अदालत के पास में गया वाराणसी, और उसके बाद में दोनों पक्षों को यह सौंप दिया गया। अब जबकि वो रिपोर्ट सामने आ गई तो उसकी हम लोग एक एक कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सारी बारीकियों को आपके सामने समझाया जा सके। तो अभी इस पार्ट में फिलहाल हम इतने पहलुओं को लिए हैं, आगे आने वाले पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कि वहां पर क्या बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है, क्या वहां पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, क्या वहां पर चक्र का निशान मिले हैं, क्या वहां पर देवी देवताओं के भी निशान चिन्ह उसमें मिले हैं।